हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 30 अगस्त 2022 हरतालिका तीज व्रत वाले दिन भूलकर भी ना करेंगे 3 गलतियाँ। शास्त्रों में हरतालिका तीज व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुमारी कन्याएं मनचाहे वर की कामना से यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को निर्जल व निराहार रहकर पूरा किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी महिलाएं यह व्रत करती हैं, उन्हें व्रत के दौरान कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है जिस कारण इसके नियम भी कठिन होते हैं। आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत 2022 शुभ मुहूर्त और इसके नियमों के बारे में बताएंगे। हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 29 अगस्त सायंकाल 3:20 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त सायंकाल 3:33 पर। हरतालिका तीज प्रातःकाल पूजा मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:09 से 8:37 तक। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त होगा शाम 6:33 से रात्रि 8:51 तक। आइए जानते हैं इस दिन क्या ना करें। व्रत बीच में ना छोड़ें। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत अगर आपने जीवन में एक बार रख लिया तो किसी भी कारणवश अगर आप पूजा करने में समर्थ नहीं है तो भी यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है, ऐसे में हमेशा इस व्रत का पालन करना चाहिए। गुस्सा करने से बचें। अन्य व्रतों की तरह ही इस व्रत में व्रती महिला को किसी पर भी क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में गुस्सा आना अशुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की मन से आराधना करनी चाहिए। सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 24 घंटे का कठिन व्रत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में सोना वर्जित होता है। इस दिन व्रती महिला को रात में जागरण करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और अपने इष्ट देव की आराधना करना शुभ होता है। जल ग्रहण ना करें। हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन और निर्जल रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। हालांकि ऐसी मान्यता है कि बीमार, बूढ़ी और गर्भवती महिलाएं इस व्रत को फलाहार कर सकती हैं। व्रत कथा सुनना ना भूलें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत का पूर्ण फल व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह विधि विधान के साथ पूजा के अलावा उस व्रत से जुड़ी व्रत कथा का पाठ या श्रवण करे। प्रत्येक व्रत की तरह ही हरतालिका तीज के दिन भी व्रती महिला को व्रत कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। इससे व्रती को व्रत का पूर्ण फल मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।